कब से चल रहा है ये सब? पिछले 2 साल से। दो साल और अब वो यहां रहती है इस शहर में। कब से? एक साल से। आनंद, इन 2 सालों में तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए? एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? उससे मेरा रिश्ता है, मैंने उस पर भरोसा किया और तुम पर भी। और तुम्हें एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत हो। ये सब अचानक एक दिन तो नहीं हुआ होगा ना आनंद? तुम दोनों बड़े हो गए, एक दूसरे की तरफ वक्त लिया होगा एक दूसरे से कुछ कहने से पहले। पिया दोनों की जहन में आई तो जरूर होगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर साजिश तो पिया के खिलाफ ही की। पिया, मैंने तुम्हारे साथ कोई साजिश नहीं। कितनी बेवकूफ महसूस कर रही हूं मैं इस वक्त। चंद घंटे पहले मैं उसके साथ मिली थी और बस मेरा आनंद ये, मेरा आनंद वो कहे जा रही थी। सिर्फ मैं जानती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे नकारा है। मैं उससे कुछ कहना नहीं चाह रही थी आनंद। मैं तो किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती हूं। जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे क्या पता था कि जिससे मैं अपने आनंद की बातें कर रही हूँ वो तुम्हारे बराबर की भागीदार है। वो तो कहीं हंस रही होगी ना मुझ पर। तुम्हारा फोन भी आया था जब मैं बैठी थी उसके साथ। तुमने मुझे बहुत बुरी तरह गिरा दिया है आनंद। एक औरत अपने पति को खो सकती है लेकिन दूसरी औरत की जीत नहीं देख सकती। मुझे हमेशा लगा कि अगर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी गम आएगा तो मैं तुम्हें पुकारूंगी। लेकिन जब दुख ही तुमने दिया है तो मैं किसे पुकारूं आनंद? गीजर चला दो दीदी थोड़ी देर में। ओके। उफ, बाहर कितनी गंदगी है, कितनी पोल्यूशन। सच, कभी कभी मुझे दिल्ली की खुली सड़कें, हरियाली बहुत याद आती है, खासकर सुबह। एक तो इतनी बुरी ट्रैफिक में ड्राइव करना पड़ता है। सो तो है दीदी, वहाँ की तो बात ही कुछ और थी। और देखो ना दीदी, यहाँ तो उतने लोग भी नहीं आते, बस एक आनंद साहब ही आते हैं। जबकि वहाँ तो बाप रे बाप। वो समय दीदी, वो तो हमेशा हमारे यहाँ ही होती थी। और मैथू साहब, वो तो हर शाम आ ही जाते थे। कितनी महफिलें जमती थी हर रोज, सुबह सुबह तक कितनी पार्टियाँ। तो फिर यहाँ अच्छा है तुम्हारे लिए, काम कम करना पड़ता है। क्या दीदी, घर भरा भरा हो तो अच्छा लगता है, तब काम चुभता नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत चुभता है। दीदी साहब आज घर पे ही नाश्ता करेंगे? मुझे नहीं लगता। 2 दिन के बाद वो कल रात ही वापस अपने घर गए हैं, ऑफिस भी सीधे वहीं से जाएंगे। उनका सिगरेट और लाइटर तो यही पड़ा है, वो तो यहीं रहता है, तुम जानती हो ना, वो घर लेकर नहीं जाते। पिया नाराज होती है। दीदी, साहब ने पूछने को कहा था। तो शांति, उनसे पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? लो पूछ लो, साहब ही होंगे तुम्हारे। अरे समय दीदी आप, क्यों, क्या समय आप मुंबई नहीं आ सकती? अगर तुम्हारी रत्ना दीदी को आनंद मिल गया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो दिल्ली भूल जाए और अपने दोस्तों को भी भूल जाए। वैसे है कहाँ पर तुम्हारी दीदी? अंदर है, आप आइए तो सही। ट्रीजा घर पर नहीं है, आएगी तो कह देना कि वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के सुखा दे। और शाम के खाने के लिए मुझे एक बार फोन कर ले। पिया, इस तरह अचानक क्यों? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते क्या? हाँ वो तो अच्छा है, बट यूं ही? अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू कैसी है? अच्छी। और आनंद? वो भी अच्छा है। 2 दिन यहाँ था, यहीं रहा था, कल ही रात को गया वो। तू तो लकी है यार। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ और नहा कराऊंगी। ओके। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सब मेरी गलती थी। ये बात तुम उसके सामने कह पाओगे आनंद? That you're really very sorry? और ये सब तुम्हारी एक गलती थी? नहीं कह पाओगे, है ना? आनंद, सिर्फ सॉरी कह देने से या अपनी गलती मान लेने से बोझ नहीं कम हो जाएगा तुम्हारा। आनंद, हर एक बीमारी का एक इलाज होता है, उसकी एक परहेज होती है। सिर्फ ये कह देने से या मान लेने से कि मैं बीमार हूं, बीमारी खत्म नहीं हो जाती। और ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे बीच, इसका इलाज बहुत जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हेलो। देखो दोबारा यहां मेरे घर में फोन मत करना। मेरे यहां कॉलर आईडी है, नंबर आ जाता है। अपना मोबाइल ऑन कर लो, वो शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है। और उसे कह देना दोबारा यहां फोन ना करे, मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में दोबारा फोन करे। देखो स्वीटहार्ट, मैथ्यूज ने कहा था कि उसके बाद आनंद के साथ 11 बजे से पहले हो जानी चाहिए, और अगर आनंद का मोबाइल ऑफ है और वो ऑफिस देरी से पहुंचा तो कॉलिंग इज होम वाज द ओनली ऑप्शन, और अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एनीवे व्हाट्स द बिग डील यार। सैमी, मैं कभी भी आनंद को घर पे फ़ोन नहीं करती हूँ। जब वो घर में रहता है वो वक्त पिया के लिए होता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है, जिस तरह यहाँ गुजारा हुआ वक्त मेरा होता है। मैंने कभी 2 सालों में पिया और मेरा वक्त ओवरलैप होने नहीं दिया। What rubbish! क्या पिया का फोन नहीं आता था यहाँ पर जब वो यहाँ होता है? समाया, तुम जानती हो पिया को पता नहीं आनंद और मेरे बारे में, वो बस आनंद को फोन करती है। अगर उसे पता चल गया तो वो ये तो नहीं कहेगी ना, रैटी डार्लिंग, my husband is all yours as long as he's there. मेरी अमानत तुम्हारे पास है, उसे संभाल कर रखना। उफ, ये बीवी टाइप्स ना, और ऊपर से तुम जैसे लूजर टाइप्स। खुद अपने लवर्स को हाथ से धकलते हो, कहते हो जाओ डार्लिंग अपनी बीवी के बाहों में जाओ, और अगर वहां पर मन ऊब जाए ना तो वापस यहाँ आना। और वैसे रैडी, पिया से मैं नहीं बात कर सकती, हाँ, उसे हाय हेलो भी नहीं कह सकती, क्योंकि जितना मैं पिया के बारे में जानती हूँ वो सब मैंने बस तुमसे सुना है, जितनी भी तारीफ भी तुम पिया की करती हो। The reports are not good, Pia. In fact, they are bad. क्या हुआ? The placenta has a problem. सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? Yeah, but with complications. डॉक्टर प्लीज। देखो, तुमसे छुपा के कोई फायदा तो है नहीं, मैं तो वही बता रही हूँ जो इन रिपोर्ट्स में लिखा है। Come on, come on, come on, come on. कमाल है यार, फिर से फोन काट दिया। The second time. घर पे भी नहीं है, यहाँ प्रेजेंटेशन है और मैडम है कि डोंट बॉदर यार, कोई जरूरी काम होगा इसीलिए फोन काट दिया होगा। रत्ना, शांति साहब के लिए एक चाय बनाओ, मेरे लिए एक और कॉफी, और समय को भी पूछ लेना। हाय आंसर। आनंद, देखो ये डीप ऑरेंज, कल शाम ना आसमान बिल्कुल इसी रंग का था, ना रस्ट, ना गेरुआ, ना संतरी। रत्ना, तुमने घर पे फोन किया था? क्या हुआ आनंद? तुमने मोबाइल पे फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा मोबाइल अनरीचेबल। एसएमएस कर देते हैं। फोन ऑन करता तो मैं पढ़ लेता। Don't you have any sense of responsibility? What's wrong, Anand? And please don't shout at me like that. थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो तुम। Okay यार, बस। What's the issue? तुम बीच में मत आओ समाया। क्यों नहीं आओ? इसलिए तो तुम्हें फोन ही नहीं किया था। फोन मैंने तुम्हें किया था तो मैं ही बीच में आऊंगी ना आनंद, और वो भी तुम्हारे ही काम से। मैथ्यूज तुमसे बात करना चाहता था, इट वाज अर्जेंट, दैट्स व्हाई। जब पिया ने फोन किया था तब फोन किसने उठाया? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। तुम लोग इतना डरते क्यों? और डरता है, कोई नहीं डरता है। मैं जानती हूं कि तुम यह डिसीजन नहीं ले पाओगे, इतना वायलेंस, इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। रत्ना, आई एम सॉरी। इस तरह नहीं पेश आना चाहिए था मुझे तुम्हारे साथ, सुमैया के साथ। मैं उससे भी माफी मांगूंगा। I'm sorry, please forgive me. Anand, please call me back. I need you very badly, Anand. मैंने कभी तुम पर उस तरह के प्रेशर्स ही नहीं डाले जिनसे तुम्हें लगे कि तुम बंधने लगे हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक रिश्ता तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक इंसान उसे आज़ादी से जी सके। और आनंद, हमारे रिश्ते की ये नो कमिटमेंट क्वालिटी ही शायद इसके 2 साल जिंदा रहने का कारण है। रत्ना, हमारे रिश्ते को नीचा मत करो। I was and I am committed to our love. मैंने वाकई तुमसे प्यार किया है और करता हूं, लेकिन इसका सामना नहीं कर सकते। इसका सामना नहीं कर सकते, इसकी हकीकत पूरी तरह से अपना नहीं सकते। ओ पिया यार, ये सरप्राइज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सच बताऊं तो आई एम वेरी हैप्पी। एक तो अपना ये आनंद, उसने ना अवार्ड जीत के बत्रा एंड एसोसिएट्स का बोर्ड और भी चौड़ा कर दिया, और तुम्हारे घर मुझे डिनर करने का एक और बहाना मिल गया, तुम्हारे हाथ का खाना खाने का। आपको डिनर पे आने के लिए इस बहाने की ज़रूरत कब से पड़ गई? You are always welcome, Mr. Batra. Oh, thank you, thank you. मैं ना ये रोज तंदूरी चिकन, ये सरसों का साग, ये पराठे खा खा के ना खप गया, समझती हो ना? ओ बोर्ड यार, और तुम जो ये हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हो ना, नए नए तरीके का खाना बनाती रहती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उस दिन पतासे नहीं, पास्ता मिस्टर बत्रा। ओ हाँ, पास्ता, ये पतासे, ये पतीसा, अरे हमें तो खाने से मतलब है। तुम आनंद के कमरे में बैठो, मैं उसका पता लगा के आता हूँ। हैं? थैंक यू। हाँ। ओ आनंदी यार, तू कहाँ छुप गया? रत्ना, जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी हो गया। काश मुझे थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद। ये तो जब ही होता हमें कम ही लगता, जल्दी ही लगता। बल्कि मुझे यही अजीब लगता है कि इन 2 सालों में मेरे मुंबई में रहने के बावजूद भी पिया को अब जाकर पता चला। अब क्या? टाइम टू मेक डिसीजंस. To make choices.